Bye. Happy weekend. Thank you. Ra Kulkarni, practicing Ayurvedic gynecologist and representing Arogya Bharati and Arogya Dham. Basically, ICH 2000-230 is international seminar conducted for wellness for all. Holistic method for diagnostic and the therapeutic purpose of the patients are the main aim of the government today. After COVID, there are many diseases like heart diseases, different kind of pains, lung diseases are common nowadays. And for that, a holistic platform is must. And for that, ICH 2023 has gathered so many element lecturers and practitioners, and with the practical demos, we conducted seminars, and even the stalls were arranged where we gave free of charge treatment to the patient. I think this should be a great step towards the fight of problems occurring in post-COVID era, and ICH 2003 is successful. बहुत खुशी हो गई है कि आयुष डायरेक्टर ऑफ आयुष महाराष्ट्र आयुष संचालनालय ने मान्यता देकर ऊर्जा फाउंडेशन एवं आरोग्य भारती के सहयोग से आज पिछले दो दिन से हमने यहाँ पर रामबाव मालगी प्रबोधिनी केशव सृष्टि में जो कि शहर से काफ़ी दूर है और हम लोगों ने इनवाइट किया था बहुत सारे लोगों को डॉक्टर्स स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स और सारे जो हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं उनको हमने इनवाइट किया था इस प्रोग्राम में और ये दो दिन का जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हमें मिले जबकि हमारा एक अनुमान था कि 300 के आसपास लोग आएंगे लेकिन 500 से ज़्यादा केवल कॉन्फ्रेंस के लोग आए पूरे देश भर से पंजाब हरियाणा राजस्थान गुजरात सब मतलब हर एक स्टेट से यहाँ पर लोग आए मैं बहुत खुश हूँ बताने में मुझे बहुत आनंद हो रहा है यही नहीं कि बल्कि बहुत सारे हमारे स्पीकर्स थे स्टूडेंट्स भी थे स्पीकर अलग अलग देशों से यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे और बहुत सारे कम से कम 3000 से ज़्यादा लोगों ने लाइव कॉन्फ्रेंस हमने पिछले दो बार देखा और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी सेशन एक घंटा 30 मिनट 40 मिनट लोग सुनते हैं लेकिन हमने पूरा 8 घंटा लाइव दिखाया कल भी और आज भी और कंटिन्यूसली मैं फिगर चेक कर रहा था कम से कम 2800-2900 के ऊपर फिगर जा रही तो मतलब 3000 लोग हर दिन वो स्टूडेंट जो ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन जिन्होंने किया था ऑनलाइन के लिए वो देख रहे थे 5000 से लोग ज़्यादा यहाँ पर विजिट करके गए आरोग्य एक्सपो में तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि ऊर्जा फाउंडेशन की है हमने जो पहले ही संकल्प लिया था कि शिक्षा अभियान आरोग्य व्यवस्था और पर्यावरण उसमें से आरोग्य व्यवस्था में एक नई दिशा देने में हम कामयाब हो गए ऐसे मुझे लगता है और मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है कि आपके सारे मीडियाकर्मी हैं चैनल डिजिटल पार्टनर्स है और इसका असली हकदार अगर कोई है तो ऊर्जा फाउंडेशन और आरोग्य भारती के जो वॉलंटियर्स हैं उनको जाता है कि उनके वजह से ये बहुत बड़ा सक्सेस यहाँ पर मिला है और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि कल तक तो मैं थोड़ा बहुत आपके सामने माध्यम से मुझे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा मैं चिंतित था कि इतने बड़े पैमाने पर लोग कैसे आ सकते हैं शहर से थोड़ा दूर है लेकिन मैं सच में बहुत खुश हूँ कि इतनी बड़ी संख्या में आपने भी देखा होगा बहुत बड़ी क्राउड थी लोग भी यहाँ पर जुड़े हुए थे रजिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छे हुए थे और ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन होलिस्टिक हेल्थ एंड आरोग्य एक्सपो जो कि ऊर्जा फाउंडेशन एंड आरोग्य भारती ने और बाकी सारे सहयोग संस्था ने जो मिलकर किया था वो बहुत बड़ा ग्रैंड सक्सेस हो गया है इसके लिए मैं सारे लोगों का स्पेशली महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे उनके OSD मिस्टर चिवटे सर मंगेश चिवटे सर राम राउत सर एंड अपने हेल्थ मिनिस्टर तानाजी डॉक्टर तानाजी सावंत सर उनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ एक्सपो में आपने देखा होगा कि एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर नेचुरोपैथी के अंतर्गत मड चिकित्सा मड थेरेपी मैग्नेट थेरेपी सुजोक थेरेपी ये अलग अलग थेरेपीज यहाँ पर लोगों ने इसका लाभ लिया स्पेशली कायरोथेरेपी जो अलग की तरीके की टेक्निक है उसका भी लोगों ने लाभ लिया स्पेशली पंचकर्म की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमने यहाँ पर प्रोवाइड की
कई सारे लोगों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की, जबकि इसका बहुत चार्ज अलग अलग जगह पे लेते हैं। लेकिन हमने ऊर्जा फाउंडेशन में पहले ही सोचा था कि हमें यहाँ पे डेमो क्लिनिक, फ्री डेमो क्लिनिक लोगों के लिए देना है, वो हमने करके दिखा दिया है। हेलो, आई एम डॉक्टर सुनीता विजय मगर, आई एम प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थर्मोलॉजी एंड ईएनटी एंड आई एम बेसिकली आयुर्वेदा डॉक्टर एंड हियर आई एम नॉट ओनली आयुर्वेदा डॉक्टर कंसल्टेंट इन ऑप्थर्मोलॉजी बट आई एम पार्ट ऑफ दिस कोऑर्डिनेटर ऑफ आरोग्य भर्ती ऑफ नवी मुंबई विंग। सो दिस पर्टिकुलर इंटरनेशनल होलिस्टिक कॉन्फ्रेंस विच इज ऑर्गेनाइज इन विच अ जॉइंट वेंचर ऑफ ऊर्जा फाउंडेशन एंड आरोग्य भारती। सो आई एम रिप्रेजेंटिंग हियर आरोग्य भारती एंड सिंस टू डेज सेशन मोर देन 400-500 डेलीगेट्स वेयर प्रेजेंट फ्रॉम द डिफरेंट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया एंड सम ऑफ द डेलीगेट्स आर फ्रॉम द एब्रॉड ऑल्सो एंड नंबर ऑफ डिजीजेस फ्रॉम डायबिटीज टू हाइपर टेंशन टू कंप्यूटर विजन सिंड्रोम टू डायबिटिक रेटिनोपैथी ईच एंड एवरीथिंग वॉज एड्रेस इन दिस एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म अल्टरनेटिव पैथिक पीपल वेयर इन्वॉल्व एंड द नेम इटसेल्फ सजेस्ट द होलिस्टिक हेल्थ हेल्थ फॉर ऑल। वी आर वर्किंग हियर फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल। वी आर नॉट ओनली ट्रीटिंग द डिसीजेस और ऑक्यूलर एलिमेंट्स बट वी आर हियर टू प्रिवेंट द डिसीजेस। दैट इज द टेक होम मैसेज एंड आरोग्य भारती इज वर्किंग इन द हेल्थ सेक्टर जस्ट टू प्रिवेंट द इलनेस टू काउंसिल द पेशेंट एंड देन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल एंड देन वी विल पब्लिश द रिसर्च प्रोटोकॉल ऑल्सो। वी आर हैविंग अ एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट एंड वी आर एड्रेसिंग द वेरी क्रिटिकल इशू फ्रॉम कैंसर टू हिपेटाइटिस टू डायबिटीज टू आई डिसीजेस और ई एन टी डिसीज। सो आई होप सो कि पीपल आर बेनिफिटेड एंड वॉट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस नॉट ओनली मेडिकल फ्रेटर्निटी बट कॉमन मैन वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व हियर इंजीनियर्स बैंक ऑफिसर जज अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर ऑल द पीपल फ्रॉम द ऑल द सेक्टर्स है एंजॉयड हियर राइट फ्रॉम सुजोग टू एक्यूप्रेशर टू आयुर्वेदा टू मॉडर्न साइंस पीपल वेर ऑल्सो प्रेजेंट। ना जी करके सब पहचानते हैं। आरोग्य भारती का मुंबई प्रांत का मैं सह सचिव करके हूँ। आरोग्य भारती है आरोग्य क्षेत्र में सेवाभावी कार्यकर्ताओं की संगठना है। हम 24 आयामों के माध्यम से समाज में बीमारी नहीं होवे इसके लिए कार्य करते हैं। स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ ग्राम और स्वस्थ राष्ट्र, ऐसा हमारा उद्देश्य है। ये घरेलू उपचार, महिला कार्यकर्ता, योग सूर्य नमस्कार, धन्वंतरी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, पर्यावरण और कुपोषण जैसे विषय जो है, मधुमेह, योग प्रबंधन, इन आयामों के माध्यम से समाज के जो निचले स्तर के जो लोग है वो बीमार नहीं पड़े इसके लिए उनमें आत्मविश्वास जगाना, हिम्मत जगाना और छोटे छोटे जो पहले जो बड़ा परिवार रहता था घर में, घरेलू उपचार के माध्यम से छोटी मोटी बीमारियों के लिए दवाखाने में जाना नहीं पड़ता था, तो वही जागृति करने के लिए हम अभी ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और होलिस्टिक हेल्थ आरोग्य एक्सपो 2023 में आरोग्य भारती और ऊर्जा फाउंडेशन के साथ में मिलकर सब समाज के इस माध्यम से सभी जो पैरा मेडिकल जो है, नेचुरोपैथी, न्यूरोपैथी जैसे है, एक्यूप्रेशर प्रेशर जैसे विषय जो है, अन्य विषयों के माध्यम से सुजोग जैसे विषय जो है, जो सामान्य लोग इसका उपयोग कर सकते हैं और बड़े बड़े खर्चे से बच सकते हैं। सामान्य लोगों को बीमारी से बचने के लिए जो कोरोना के जैसे काल में मोदी जी ने जैसा प्रचार किया, जो आयुर्वेदिक काढ़ा वगैरह इन्हों से जो लोगों में उत्साह बढ़ा और बहुत सारे बीमारियों में हिम्मत से लोगों ने काम किया तो उनको बहुत हेल्प मिली और बहुत लोगों की जान बच गई है। इसके लिए, इसका प्रचार करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस आयोजन किया है। इसके लिए हम ऊर्जा फाउंडेशन के साथ में जुड़ के अच्छी तरह से सामान्य वर्ग तक और बड़े से बड़े वर्ग लोग सभी डॉक्टरों की ये बड़ी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर आयोजन किया है। तो न केवल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था बल्कि आरोग्य रक्षक का सत्संग था, ऐसा मैं कह दूँ तो बहुत ही उचित रहेगा, क्योंकि अलग अलग पैथी के लोग, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, अलग अलग कायरोपैथी, एक्यूप्रेशर, ये सभी लोगों का आज यहाँ पर सम्मेलन हुआ और लोगों को प्रिवेंटिव साइंस, मतलब बड़े अस्पताल में कुछ लोगों का जो पैसा जाता है वो लोगों को न लगे, ऑपरेशन टालने की बहुत सारी प्रैक्टिसेस यहाँ पर डेमोंस्ट्रेशन के बतौर बता दी गई। तो मुझे लगता है कि यदि सब प्याथियाँ ऐसे माध्यम से एकत्रित आती है तो मुझे लगता है कि लोगों को कंप्रेहेंसिव ट्रीटमेंट मिलेगा। आज के इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा बहुत सारे लोगों को आरोग्यजनक सुविधाएं प्राप्त होगी
आयुष मिनिस्टर की वजह से भी और आयुष मंत्रालय की वजह से भी अभी बहुत सारे सुविधाएं पूरे हिंदुस्तान में मिल रही लोगों को।